इच्छाओं का ज्वर खत्म हो गया
ये ज्वर तो अपने आप कर जाए, इसमें क्या जाए। अरे इन इच्छाओं का ज्वर यह शांत नहीं हुआ और बाहर की ज्वर शांत भी हो गए तो सुखी तो हो गए, दूसरी अभिलाषा होगी। बुखार कैसा है? अगर कमजोरी है बुखार, मुझे बुखार कैसा है तो चले अभी कमजोर। अब कमजोरी दूर करने की चिंता है, कमजोरी का लक्ष्य करके अपने परिणाम कमजोर करते हैं, इतनी चिंता है। धर्म ज्ञान की जीवनी महिमा नहीं आई, धर्म ज्ञान बाह्य सामग्री नहीं प्रदान करता, अन्य सामग्री दूर नहीं करता, लेकिन धर्म ज्ञान के अन्य सामग्री स्वयं दूर हो जाती है, इस सामग्री स्वयं में हो जाती। पंडित सूर्यम जी कहते इस परंतु इस से इस जीव का कुछ हित नहीं होता, इस सामग्री मिल गई तुम्हें पैसा मिल ही गया तो हित नहीं हुआ, सुखी तो नहीं होगी, तुम्हारा शरीर सुंदर हो भी गया तो तुम सुंदर तो नहीं होगे, तुम्हारा शरीर सुंदर हो गया तो तुम अभिमान करोगे और क्या करोगे, दिखा के फिरोगे अंधे। पापानुबंधी पुण्य है इसमें कोई दम नहीं, क्या सुंदर दशा और संसारी है, आत्मा स्वयं धर्म रूप पर हो गई है, मनोरथ है हमारी मन की बात है, रुचि का काल क्या है, ये हम यही हम भीतर से चाह रहे हैं कि आत्मा धर्म परंतु एक दर्शन पाठ में हमें पढ़ा होगा जिन धर्म विनिर्मुक्त माँ बाप चक्रवर्ती तीन शास्त्री रूप कलितों की जिन धर्म अनुभव, एक और चक्रवर्ती की संपदा और जिन धर्म नहीं मिले और एक और जिंदा मिले चक्रवर्ती नौकरी करनी बड़े गरीबी हो कोई बात है, जिन धर्म का बिना नहीं जाता, जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद पाना नहीं खर्चा, जिन धर्म से सही दर्जी भी होना, जिन धर्म जाए हमें दर्जी हो गए तो कोई बात नहीं, प्रतिकूलताओं की चिंता नहीं। चंदन वाला कहती है इन उपसर्गों की क्या परवाह है, यहाँ हमारी जीव की तो सुरक्षा है, वैश्या तमाम वस्त्र भूषण दे रही है, मना रही है, आग्रह कर रही है, हमें क्या हाल है, वहां वैश्या के यहां जाने को तैयार नहीं है, और सेठ के घर पर जहां जिन धर्म मिला है मैं जिन धर्मी हूं, वहां बेड़ियां पड़ गई जंगियों से जखड़ी हुई, चंदन वाला कोठी में बंद है, खाने का ठिकाना नहीं, और ये सोच रही है यहाँ हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा रहे, यहाँ हमारी चीज की सुरक्षा है, बाकी प्रतिकूलताएं हैं तो हैं, लेकिन स्वभाव की तो अनुकूलता है, तीन शरीर में रोग हो जाएगा तो चिंता है और आत्मा में विकल्प हो तो कोई चिंता नहीं, एक एक पैसा के लिए प्राण दे रहे,
परिणाम विराज जी को तैयार। आत्मा धर्म रूप परिणत हो यह मनोरथ है, शक्ति रूप तो है अनंत धर्मात्म तत्व है तो, लेकिन भाषित हो जाए, परिणमन हो जाए उस प्रकार का, तब साक्षात्कार। एक दृष्टांत दिया था, एक पत्थर है, उससे पूछा कारीगर से, क्यों भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले पत्थर नहीं है, वो अमुक से जी की मूर्ति है। उसी पत्थर को भी नहीं दिख रहा, पत्थर में मूर्ति दिख रही। जब बोला पढ़ा लिखा कारीगर तुम्हारी भाषा में, पत्थर में मूर्ति दिख सकता है, तो हम हर परिणति में अपने को चैतन्य स्वरूप के आयत नहीं दिख सकते। जब साक्षात ज्ञाता हो या रामकृष्ण नहीं रहे तब क्या था दृष्टा रहेगा, ये सोचेगा अब हम क्या था दृष्टा है। और रामकृष्ण होने के काल में ही ज्ञाता स्वरूप तो ज्ञाता स्वरूप ही है, कि स्वरूप तो के स्वरूप ही है, ये नहीं पा। इसका नाम है पर्याय दृष्टि। पूजा कर आएंगे, हम दान दे लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन दृष्टि नहीं बनती। पहले मानता था मैं, पड़ी गई हूं अब मानता मैं, त्यागी बस खत्म। पहले मानता था हमारे पास सब कुछ है, अब मानता हमारे पास कुछ नहीं। जिसके लक्ष्य करके तू मान रहा था हमारे पास सब कुछ है, वह तो उस समय भी तेरा नहीं था। और जिसको लक्ष्य करके मान रहा हमारे पास कुछ नहीं है, वो तो क्या कहें। दृष्टि की दर है, संयोग बदल गए, संयोग भी नहीं है कुछ, लेकिन अभी भी अनंत धर्म है कि नहीं। अनेकांत आत्मा के आत्मा के नहीं, ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति उछलती है कि नहीं। अभी भी लेकिन ऐसा लगता है ये नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। ऐसा क्यों अनुभव होता है? बड़ी दृष्टि का आत्मा धर्म रूप परिणमित हो गए, उसमें विघ्न करने वाली बहिर्दृष्टि है, इसको टीका में बहिर्मूल दृष्टि कहा, अथवा बाहर की दृष्टि से होने वाला मोह का बहिर्मोह दृष्टि। कितना गहरा है मोह। आत्मा सदा एक रूप रहा, आत्मा ही रहा, लेकिन मोह के कारण एक क्षण भी आत्मा का जीवन नहीं हुआ, लगाई नहीं हम आत्मा। वो तो ठीक है, ऐसा लगा जैसे किसी और की बात है। प्रभुता हमारी एक रूप क्यों काल है, तीनों काल एक रूप प्रभुता है, अनेक रूप भाषित होती है, ये मोह दृष्टि है। कोई व्यक्ति को ये नहीं लगता कि हम क्रियंट हैं,
ये नहीं लगता हम नारकी हैं, ये नहीं लगता हम देव हैं, युवा को ये नहीं लगता हम बालक हैं या वृद्ध हैं। युवा लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं युवा हूं, ये बात झूठी नहीं करती, सच्ची रहती। व्यवहार असत्यार है। क्यों? जिस समय अपने को युवा दिख रहा है, जिस समय शरीर की युवा अवस्था है, उस समय भी आत्मा युवा नहीं है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो भयम्, न हम बालो न वृद्धो हम युवे एतान पुद्गल है। ये पुद्गल की पर्याय है, इसलिए पुद्गल ही है। बीच में सच्ची बात कर रही है, मैं युवा उसी समय में युवा युवा मानना मिथ्या दर्शन क्यों है? कि युवा है नहीं, युवा मानता है। वो किसी द्रव्य का नाम नहीं है, वो किसी गुण का नाम नहीं है। मोह मन विपरीत मानता लगता है अब भैया मर रहे हैं, अब तो पकी पान है, अब तो बुढ़ापा है, कौन का वो तो ठीक है, शरीर को है वो तो ठीक है। मन ऐसा लगता है जैसे कोई बात ही नहीं बोलो। इसी का नाम मोह है। कोई का मरण हो गया, रोने बैठ गया, उसका नाम मोह नहीं है। वो तो मोह की नियमित क्रिया है। इस समय बलभद्र नारायण के वियोग में दुखी हो रही थे, उस समय भी उनको दर्शन मोह नहीं था। अब मोह क्या है ये बात सोचो। मोह को पहचानना भी कठिन पड़ जाता है। मोह की नियमित क्रिया को मोह मान लिया है और नियमित क्रिया या संयोग छोड़ दिए तो हमने ये सोच लिया हमारा मोह छूट जाएगा। नियमितों के कारण से मोह नहीं होता, देखो प्रत्यक्ष उसका। नियमितों के छूटने से मोह नहीं छूटता, नियमितों के छूटने पर भी मोह नहीं छूटता। एक धनी का धन छूट गया तो निर्धन हो जाएगा, निर्मोही नहीं होगा, और तत्व ज्ञान हो गए तो धन बना रहेगा तो भी वो निर्मोही हो जाएगा, उसमें परमाणु मात्र मिल जाए। पंडित बनारसी दास जी के तीन विवाह हुए, 9 बच्चे हुए और सारा का सारा खेल बिगड़ गया। 9 बालक 9 हुए रहे ना नूर, यो तक हर पतियाड़ में रहे झूठे मोर। पंडित जी का चिंतन कुछ अलग था। देवी या को पड़ गए घटे ताश विचार, जो या को पड़ गए घटे क्यों सा को उपसार। अंतिम समय था पंडित जी का और शरीर छूटने का अवसर था। आवाज रुक गई थी,
कहना चाहते हैं कुछ। आसपास लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा इनके प्राण माया में अटके, माया की गठरिया इन्हें दिखाओगे तब तुम इनके प्राण निकल पाएंगे। पंडित जी सोचे मौन होकर के देखो कैसे आदमी है ये। उन्होंने सिगरेट बाती मंगाई लिखने के लिए, क्या लिखा, मार कुतक का हाथ मार अरि मोहना, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत विशोहना, क्या पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बुना की जा फेंक लिया। ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, प्रगटो रूप अनंत स्वरूप अनंत विशोहना, हमारा ज्ञान स्वरूप प्रकट हो गया। पंडित जी चेंज करे, हमें ज्ञान ही ज्ञान सूझता है, दिखाई नहीं देता। ये भी ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान में झलकते हुए ये भी स्वयं को प्रसिद्ध नहीं करेंगे, एक ज्ञान को प्रसिद्ध करेंगे। एक कमरे में लाइट जल रही है और कलसा दिख रहा पानी का, वह भी लाइट को प्रसिद्ध है। भाई लाइट से जल नहीं जन्म भीतर कमरे में, कलसे ने लाइट को प्रसिद्ध किया है। देखा तुमने क्या कलसा और तुम्हारी उपयोग कम गया। ए भाई लाइट क्यों किसने जला दी, ऐसा होता है। सिद्धांत नहीं समझ पाती, मोह अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। इंद्रियों से नहीं बिखरा मोह, अमूर्तिक है। आत्मा की वैभाविक परिणति है जब जीव अपने को भूलकर पर को मानता है अपना, उसका नाम मोह है। मोह छूटने के लिए शरीर छूटना जरूरी नहीं है, शरीर छूटने पर भी मोह नहीं छूटे और शरीर बिना छूटे भी मोह छूट गया है। शरीर भिन्न बाधित हो जाए इसका नाम मोह छूटना है, शरीर छूटने का नाम मोह छूटना नहीं। नित्या दृष्टि ही बज आत्मा ही कुमरण को प्राप्त करता है देह छूटने पर। क्यों, शरीर छूटता है और उसकी शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं छूटती, उसे ऐसा लगता है मैं मर रहा हूं, मेरा नाश हो रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है। कई थी पहले मृत्यु के समय में शरीर पर्यंत समस्त पदार्थ छूटेंगे परंतु अपना कुछ नहीं छूटेगा, वही छूटेगा जो छूटा हुआ है। और जिसे हम अपना मान रहे प्रगटो रूप स्वरूप अनंत सोहना, या परे को अंत सत्य कर जानना, चले बना की जा फिर नहीं आवरा। इसलिए आपसे कहा था कि पर के कारण होने वाला मोह, पर के लक्ष्य होने वाला मोह पर के कारण नहीं होता। परद्रव्य जबरन मोह नहीं कराता, बेहोश माने ऐसा नहीं है। बेहोश माने जैसे होश नहीं, दुकान पर का हो रहा, घर का हो रहा, ऐसा परदेश जाते हो यहां बैठे हो पता नहीं आपको दुकान पर क्या हो रहा।
अखबार बड़ा अखबार डाल जाए तो पता पड़ेगी कुछ है? लाइट वाला कनेक्शन काट जाए तो पता पड़ेगी कुछ नहीं? दुकान का होश नहीं होश, घर पर क्या बना है सैकड़ों लोगों को नहीं मालूम क्या बन रहा है घर पर। हमें मालूम खिचड़ी बन रही है, दाल बन रही है, कड़ी बन रही है, रोटी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही, हमें नहीं मालूम। घर पहुंचे तुम्हारा मन था खिचड़ी खाने का और बन गई पकौड़ी, अब पकौड़ी बन गई पकौड़ी खाई वाली खिचड़ी कल बन गई शाम को खा ले पता नहीं बैठे और कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं मैं कौन हूं, इसका नाम वो है, मेरे में क्या परिणमन हो रहा है ये पता नहीं है। पुजगल के परिणमन को ऐसा लगता है ये मेरा परिणमन है, मैं कमजोर हो गया, मैं मजबूत हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया। अरे मेरे में वजन नहीं है, कब सोचोगे? हम बैठे हैं कहां बैठे? शास्त्र में बैठे नियम साजी में आचार्य भगवान कहते मुंडा कहते टीका सिद्ध भगवान सिद्धालय में है ये व्यवहार में प्रकाशन है। सच पूछो भी अपने में अपने असंख्य प्रदेशों में ही ये जीव रहता है, बाहर कर एक भजन पड़ा होगा तुम्हें सच्चा लगता है, हम तो कब उन्नति कर रहा है सच्चा लगता है। सच बात ये है, परमार्थ बात ये है, अपने निज घर से बाहर नहीं गए। व्यवहार तो है नहीं विरोधी, व्यवहार और परमार्थ विरोधी होते हैं। व्यवहार नहीं कहता है हम तो कबून ने निज घर आए, लेकिन हम निज घर से बाहर नहीं गए। लोकालोक को जानता है लेकिन लोकालोक में जाता नहीं। ज्ञान जीव में जाए बिना ज्ञान जीव को जानता है, ये बाहर नहीं। होश नहीं है मैं करता नहीं, लग रहा है मैं करता हूं, इसी का नाम वो है। होश नहीं है इनमें मेरा सुख नहीं, लगता है इनमें मेरा सुख है, इसी का नाम वो है। होश नहीं है ये मेरे हैं, लगते हैं ये मेरे हैं, सगे भैया हमारे और लगा दिया ठप्पा सागे मूर्ख बड़ा काटता है। सभी सभी तो मने जुर्मा पैदा भाई हम तो, और ये भैया पैदा ही नहीं भाई जुर्मा का हो। ऐसा लगता है सच्ची बात है, जबकि वो व्यवहार नहीं है, क्योंकि अपेक्षा की कथन है, उपचार कथन है, वह परमार्थ कथन है।
आत्मा धर्म रूप परिमित हो गए, ये मनोरथ है। उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है, वह बहिर्मोह दृष्टि अगम की कुशलता से और आत्मज्ञान से नष्ट होती है। अगम की कुशलता से मंद हो गया वो, अगम के अभ्यास से वो मंद हुआ अभ्यास से, और नहीं तो अहंकार आया मंद भी नहीं होगा। हमने बहुत पढ़ रहा हूं, हम बहुत जानते हैं, हमने सब शास्त्र पढ़े, हमने शास्त्र पढ़े हैं, तुम हमें पढ़ा समझा रहे हो। ये कल कल का हमें समझाता है, अरे कल और परसों का क्या होता है भैया? किस अहंकार में बड़े हो? हम बूढ़े आदमी, हमारी जिंदगी बाल सफेद बैठे थोड़ी हो गई। अरे बाल सफेद बैठे ही नहीं हो गए, कैसी बातें करते हो? अनुभव से तो बाल सफेद का कोई संबंध है नहीं। अनुभव आत्मा का अनुभव, वह आत्मा का कार्य है, बाल सफेद होना पुरुष का कार्य है। बाल सफेद तो जिसके हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, पर बाल सफेद तो भैया कोई विचार इनका कार्य है। धूप का कार्य है, धूप में जिसको तुम अहंकार का विषय बनाते हो, हमारे बाल धूप में थोड़ी सफेद भाई करते तो कायम भाई विटामिन की कमी से भाई होगी। हम तो ये कहे बाल सफेद होने से क्या होगा? गांव के देखो बूढ़े आदमी बाहर निकल कर के देखते ही नहीं, गांव से बाहर नहीं जाते। हमने कहा घड़े में कुर्ता रखा रहता था, या दिन पांच हो जा कुर्ता पहन के जाएंगे, नहीं तो बनिया नहीं पहने पहने हिंदी कटी गई तो कब बुढ़ापे में क्या होगा? बूढ़ा घटियारा जोरी थोड़ी हो जाता है, बूढ़ा घटियारा घाट खोदने वाला जोरी नहीं हो गया। अनुभव वाणी पार की जोड़ी आप जिन यही बरबोजी ये चरण करना, तुमने बाहर के रत्नों को परख लिया लेकिन अंदर में रहने वाले चैतन्य रत्नों को नहीं परखा। कैसे ढूंढी जोड़ी हो? एक बच्चा बोला आप कहते हो जो नकली नोट है सो भी नकली है, असली है सो भी नकली है, तो असली बाजार में चलते नकली कहाँ चलते? बात तो ठीक है लेकिन असली बाजार में चलते मोक्ष मार्ग में नहीं चलते। मोक्ष मार्ग में नहीं चलेंगे असली, तुम पर कितने नोट है कितने नोट नहीं का मतलब है? धनवान होने से धर्म थोड़ी प्रकट हो जाएगा, धर्मात्मा थोड़ी हो जाएगा, और धन के त्याग से धर्म थोड़ी हो जाएगा। धन के धर्म का कोई संबंध ही नहीं है, धन को अपना मानना छूटना चाहिए, धन से अपनी शोभा मानना छूटना चाहिए, धन के बल पर निश्चिंत हो रहना छूटना चाहिए। हम तो निश्चिंत अपने हर महीने पेंशन आया किया, अरे भैया आया कि उसे निश्चिंत हो, तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत हो। निश्चिंत माने हमको कछु भय ना है, मेरा मरण नहीं होगा, देह छूटे, देह छूटने पर वो ही उसे मरण मान देती, यानी जीव भी उसे व्यवहार नहीं से मरण कह देती है, समाधि मरण कुमरण। लेकिन देह के छूटने से सच बात है, देह मरी से मैं नहीं मरता,
बेहोश से नहीं कहते तुम्हारे घर का हो रहा तुम्हें सब पता, लेकिन बेहोश कोई नहीं गए, बेहोश और से कहेंगे ऐसे भैया बेहोश हो गया यार, बेहोश माने अपना होश है, हम कहाँ पड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, हमारी जीवन में कहाँ है, हमारे हाथ में कहाँ है, कुछ पता नहीं। होश आया तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है हम कहाँ पड़े। शराबी भी शराब के नशे में बेहोश हो जाता है, तो जब होश आता है तो उठ करके घर की ओर चल देता है, अगर घर की ओर नहीं चले तो होश कहाँ का है, होश की मदरा का पंच क्या है। अपने फिर बाद में सोचेगा ए हमारी यहाँ तो ऊँटी है, ऊँटी का मिल जाए हमारा पर्स कहाँ रहो, सब है वो जरूर निकाल दिया था, रख दिया था, अच्छा अच्छा तो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन अंगूठी है और पर्स है ये बात में ख्याल आता है मैं कौन मैं कहाँ। होश का मतलब ये है सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि ही, उसका मतलब है कि मैं कौन अंतर। फिर सम्यक से सम्यक क्यों है कि उसने आगम से जाना है अनुभव से नहीं, जब तक अनुभव से न जान ली हुए तब तक वह सम्यक से सम्यक कहलाता है, सम्यक से नहीं कहलाता। मोह छूटेगा आत्मा के ज्ञान से, मोह छूटे में निमित्त होंगे निर्मोही पिताजी परमेश्वर भगवान। कजो संग लौकिक जीवों का, कजो संग लौकिक जीवों का, लौकिक माने क्या है, ये पेंट वोटे पहने वाले भी लौकिक होंगे और तो उनसे बचा हो रहे अलौकिक हो गए। अरे नहीं भैया, तजो संग लौकिक जीवों का, जिसके लोक में भ्रमण होता है उस दृष्टि को लौकिक कहते हैं, जिसे जीव लोक में भ्रमण करता है उस दृष्टि को वही दृष्टि को लौकिक कहते हैं। तुम सोच लेते हो हमने बहुत सत्संग कर लिया है, वो पोषण क्यों, दोषों का पोषण होता है, राग का पोषण होता है, कषायों का पोषण होता है, दृष्टि ही नाप करना। ये मैं सोच रहा हूं शरीर क्या हो रहा है, मेरे अंदर में क्या चल रहा है, इसको आपकी अपनी भाषा में कह दिया था हम कहां बैठे ये मैं सोचो, हम क्या सोच रहे हैं ये सोचो, हम मंदिर में बैठे हैं और घर की बातें सोच रहे हैं, अच्छा नहीं पाप बंद होगा, और किसी कारण से मंदिर नहीं आ पाए, बीमार पड़े हैं वहां और मंदिर में विधान हो रहा हो, मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर में स्वाध्याय हो रहा होगा, मंदिर में भक्ति हो रही होगी, पुण्य बांध रहा। अरे तुम सब तो जाओ, तुम काय को बैठी आई तो भी खराब हम तो कर लेंगे, तुम जाओ मंदिर अपने द्वेष से नहीं। द्वेष वाह नहीं है, तुम जाओ मंदिर हम दवाई दे देंगे, तुम रख दे वही
या बैठो यहाँ सुनाओ उनको, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, मैं कुछ और कुछ क्या बताओ। किसी कारणवश घर में है और तो भी वह घर में नहीं है, अपने में है। और किसी मजबूरी से, किसी उदय की मनता से वह जंगल में है, बाहर में है, शास्त्र में है, मंदिर में है, और सब घर की लगी है। जिस परिणाम से लोक में परिभ्रमण होता है, जिस दृष्टि से लोक में परिभ्रमण होता है, उस दृष्टि वाले जीव को लौकिक जीव कहते हैं। और कैसे परिभ्रमण होता है, चौदह राज संगनक लोक पुरुष संख्या या में जीवनाथ भरमत है वे या ज्ञान के बिना भ्रम रहा है। क्यों? ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, और सुख नहीं मिलता तो भ्रमता है। ज्ञानी का भ्रमण क्यों नहीं होता? ज्ञानी को सुख मिल जाता अपने, इसलिए उसका चित्त स्थिर हो गया, भ्रमण मिट गया। अज्ञानी को सुख नहीं मिला इसलिए भ्रमण नहीं मिटा। अज्ञानी की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो नई इच्छा उत्पन्न होती है, ज्ञानी की इच्छा की पूर्ति नहीं भी हो तो भी मगन दुनिया हार के चले आ रहे हैं अपनी हिसाब भी ऐसे चले आ रहे हैं जैसे तृप्त होता हार करके आ रहे हैं। अज्ञानी को कबक है, अजंत्रा को कबक का अंधे हैं, बूढ़े हैं, पुरुष की अग्नि नहीं चलता। कछ नहीं भैया, हमारी उदय है अजंत्रा हो, ये मंदता तीव्रता हो जाती है, लेकिन मेरा अंतराय कहा, मेरे स्वरूप में अंतराय कहा? स्वरूप में अंतराय होता नहीं, और स्वरूप के आश्रय से अंतराय रहता है। हम ये सोच रहे हैं बाल बच्चे विघ्न करते हैं, बाल बच्चे विघ्न नहीं करते, बाल बच्चों में जो हमारा मोह पड़ा हुआ है वो विघ्न कर रहा है। हमें लगता है ये दुकान क्या करें, अब कौन पे छोड़ दिया, घर कौन पे छोड़ दिया, बता वो विघ्न करता है, और विघ्न करता है हमारा मुंह। अब वो चोरी पकड़ में नहीं आया, निदान ही नहीं हुआ रोग का, तो चिकित्सक आएगी हो। इसीलिए बाहर का त्याग करके वो ये मान लेता हम निर्मोही हो गए, हमें सब छोड़ दो, अहंकार से छोड़ा नहीं, मोह की मनता में व्यवहार होता है, मोह की तीव्रता में उल्टा व्यवहार होता है। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं, हम कर रहे हैं एक नहीं सबकी आदत पड़ी है, इकट्ठी पूरी पूरी। हम बार बार तुम्हें देख करके यही सोचते रहते हैं कि देखो भाई, कसार मन हो जाना अलग बात है और मोह छूट जाना अलग बात है। हाथ जोड़ोगे, पांच झूठोगे, सब कर लोगे, लेकिन बोलोगे वैसे मानता है, पूजा कर लोगे, पाठ कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, विधान करा लोगे, सब यात्रा कर लोगे, जंगल में चले आओगे, लेकिन मानोगे अपने को यही शरीर। इसलिए शरीर की क्रियाओं का अभिमान भी आएगा, और शरीर की क्रिया छूट जाएगी तो ऐसा लगेगा हमारा धर्म छूट गया। ध्यान रखना, धर्म तो तब छूटता है जब धर्म ही छूटे। जब तक आत्मदृष्टि नहीं छूटी तब तक धर्म नहीं छूटता। सही छूटिया, शरीर की क्रिया छूटिया, तुम्हारी हकी बात थोड़ी मन रहा पा।
एक छात्र जी बोलिया गा गा कर पूजा करते हो और तुम्हें बड़ा अभिमान, एक शब्द नहीं बोला पाए, नहीं बोला जाए तो नहीं बोलता, तो हमारी पूजा छूट गई। कहां से छूट गई? पूजा तक छूटेगी या भगवंतों का बहुमान छूटेगा? जब भगवंतों का बहुमान नहीं छूटेगा तो पूजा कहां से छूट जाएगी? मैंने की पूजा छूट गई 15 दिन से, एक दिन भी तो नहीं छूटी, एक क्षण भी तो नहीं छूटी, घड़ी घड़ी पल पल क्षण क्षण नित्य दिन प्रभु जी का सम्मिलन चल रहा है। इतना कमजोर नहीं है धर्म जो जरा से बाबा छूट गया है। धर्म आत्मा की परिणति को समझा ही नहीं। जब तक आत्मा है कुतर्क ही हो गए। वो लड़का कुतर्क करता है, हमारी रहते हुए हमारी नानी विधवा हो गई, हमारे रहते हमारी बुआ विधवा हो गई, हमारे रहते हमारी फलानी विधवा हो गई, तो हमारे रहते हुए हमारी पत्नी विधवा क्यों नहीं? अरे मूर्ख जानता है विधवा कैसे होती है जिसकी पत्नी का भी हो, वो कनंदे की बच्ची का भी हो। यू वैसा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे होगी? दादान लिखी, अरे दादान लिखी है तो उसका भाव कुछ होगा, लेकिन विधवा तो नहीं हो सकती, ये बात माना। तेरे विरह में तेरे वियोग में वह विधवा जैसी अपने को अनुभव करती है। तो पहुंच जा, बस ये है उसका भाव, ये भाव नहीं है मेरे रहती मेरी विधवा की पत्नी विधवा क्यों क्यों नहीं हो सकती, कोई तर्क तर्क नहीं। धर्म वह चीज है, वह वस्तु है, वह परिणति है। जो आत्मा की गति छूटे तो धर्म छूटेगा, आत्मगति नहीं छूटे तो धर्म नहीं छूटेगा। लेकिन हमको ये लगता है शरीर की क्रिया छूटने से धर्म छूट गया, क्यों धर्म शरीर की क्रिया करने से धर्म हो गए? लौकिक जीव जिनवाणी के विरुद्ध जितने भी विचार हैं वे मोह के पोषक हैं, ध्यान रखना उनसे तुम्हारा मोह कुछ होगा। जिनवाणी के अनुकूल जो वस्तु स्वरूप का विचार है जिसे तत्व विचार कहते हैं वह मोह की ममता का कारण बनेगा और तत्व की अनुभूति में मोह छूट जाएगा। Mm-hmm.